हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी पनीर पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में एकदम टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम 1/4 कप मैदा और सेम क्वांटिटी में ही कॉर्नफ्लोर लेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थिक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब ये पेस्ट रेडी हो गया। ये मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं, आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, इन्हें हम क्रश कर लेंगे। अब हम पनीर क्यूब को पहले पेस्ट में अच्छे से डिप कर लेंगे, फिर क्रश कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इस तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। अब सारे पनीर क्यूब्स रेडी हो गए हैं, इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे क्रिस्पी पनीर पॉपकॉर्न बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।